पेट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आज इस पेशेंट का, साथ में डोर्सल रेक्ट भी, पीएमई की भी प्रॉब्लम है। इसके लिए पहले इन्होंने फिलर लिया हुआ था, लेकिन फिलर कहीं बाहर से लिया हुआ था, इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, जबकि स्प्रे का अच्छा रिस्पांस आता है। तो इसका मतलब ये है कि फिलर कहीं बाहर लिया तो वो एग्जैक्ट नर्व के ऊपर नहीं गया वो, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप फिलर डालो तो वो जो डोर्सल नर्व्स आती है उनके ऊपर ही वो लगना चाहिए। तो आप गर्थ इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में पीएमई के लिए डोर्सल नेरेक्टमी कर रहे हैं आज इनकी, तो दोनों प्रोसीजर साथ में कंबाइन कर रहे हैं। आज ये सेकेंड केस कर रहे हैं हम फैट ड्राफ्टिंग का और डोर्सल नेरेक्टमी का। फैट ड्राफ्टिंग के बारे में एक मैंने देखा है कि बहुत से ये कंप्लेंट है कि फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत से डॉक्टर्स ये बताते हैं कि फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि फैट ड्राफ्टिंग एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी में। तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो हमने अपनी सीखा है कि फैट डालने के बाद उसे डिस्टर्ब मत करो, अगर आप ज़्यादा उसको हिलाओगे, उसको फैट डालने के बाद मैनिपुलेट करोगे तो फैट फिर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब हम ज़्यादातर केसेस में फैट डालने के बाद उसको डिस्प्लेस नहीं करते, छेड़ते नहीं है, तो उसे फैट का जो अपटेक है, फैट ड्राफ्टिंग का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर है अगर आप उसको ज़्यादा हिलाओगे, वहाँ पे मैनिपुलेट करोगे, उसको छेड़ोगे उसके मुकाबले। तो ये एक अच्छी टेक्निक है फैट ड्राफ्टिंग के गुड रिजल्ट्स के लिए। तो हमारे इसके बाद से रिजल्ट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और तो ये एक टिप है आज के लिए फैट ड्राफ्टिंग। आज ये दूसरी सर्विस है जिसमें हम फैट ड्राफ्टिंग और डोर्सल नेरेक्टमी कर रहे हैं, फैट डाल रहे हैं और नर्व्स जो मैंने निकाल लिया। ये नर्व खासतौर पे हाइपरट्रॉफिक थी, ये नर्व तो फिर भी ठीक थी, तो ये सिलेक्टिव दो नर्व्स निकाली है इसमें, खासतौर पे ये नर्व ज़्यादा बड़ी थी। ये सेकंड सर्जरी जिसमें हमने ये दोनों प्रोसीजर कंबाइन किए हैं आज के।